हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग आप मेरी साइज और एज से जान चुके होंगे कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पब्लिक स्पीकिंग का सो अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और शुरू करते हैं अपनी जर्नी से जो मेरी जर्नी स्टार्ट है बचपन में आप सभी ने तो वो कहानी सुनी कविता तो सुनी होगी मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ डर जाएगी बाहर निकालो तो मर जाएगी आई took दिस नर्सरी time वेरी सीरियसली मैं जब आठ साल की थी मेरे पापा ने मुझे स्विमिंग क्लासेस में डाला था एज कैजुअल हॉबी मुझे शुरू से बहुत शौक था कि मैं आ, स्विमिंग करूं और जलपरी जैसे तैरूं। तो मैं मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं मैं स्विमिंग पूल गई मैंने वहाँ पर आ, स्विमिंग सीखी और सरप्राइजिंगली मैंने छः दिन में पूरी स्विमिंग सीख ली और फिर ऑन सेवेंथ डे मैंने एक बच्चे को देखा वो डाइविंग बोट से पानी के अंदर सडनली जंप करता है और बहुत सारा पानी उड़ता है तो मेरी अंदर से आवाज़ आती कि हाँ मुझे भी ये करना है मुझे भी ये वाला गेम खेलना है मुझे उस टाइम पे नाम नहीं पता था इसको क्या कहते हैं तब मैंने चेंज करा फिर मैं पानी में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं मैं सीधा डाइव करी मैंने और फिर जैसे ही मैं बाहर निकली तो मुझे बहुत ही अलग टाइप का वर्ल्ड दिखा बहुत ही सुंदर दिखा और जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं करा था इतना ब्यूटीफुल दिखा एक अलग टाइप का वर्ल्ड फिर जैसे किसी को अफेयरनेस रहती है थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है कि अपन डाइव करेंगे लग ना जाए कुछ हो ना जाए ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ एक्साइटमेंट थी मुझ में लेकिन नर्वसनेस नहीं थी फिर वहाँ पर जो सर थे मिस्टर कोच रमेश व्यास सर, उन्होंने मुझे बताया इसे डाइविंग कहते हैं इसको इस टाइप से करते हैं ऐसे समोरसोल्ड करते हैं ऐसे ट्विस्ट लेते हैं इतनी ऊपर से डाइव करते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें उसमें आपको ट्रेनिंग एक्सरसाइज फिटनेस बहुत कुछ करना पड़ता है फिर मैंने उसके ऊपर एक दो दिन सोचा फिर मैंने रियलाइज़ करा कि हाँ मुझे ये करना है मैं इसको करके ही रहूंगी और फिर मैंने दृढ़ निश्चय सेट कर लिया अपना कि हाँ मुझे इस टारगेट पर जाना है और फिर उसके बाद मुझे तो डाइविंग का चस्का ही लग गया आप सभी ने दंगल मूवी देखी होगी उसमें बताते हैं कि गीता और बबीता ने कैसे अपने बाल छोटे करवाए थे कैसे चाट पकौड़ी बंद करनी पड़ी उन्हें रोज़ सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी पड़ी वो सब मैंने भी करा और अ, मेरी लाइफ की पिक्चर में पीछे से वो गाना बजना शुरू हो चुका था बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है बस फ़र्क इतना था आमिर खान जी की जगह मेरे कोच सर थे पर गाना तीन मिनट का होता है पाँच मिनट का होता है जो मूवी रहती है वो पाँच घंटे की होती है तीन घंटे की, की होती है इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता पर मेरी पूरी लाइफ पूरे तीन साल तक बिना कंपटीशन के चली बिकॉज ऑफ़ एज इशू मेरी इतनी एज नहीं थी कि मैं कंपटीशन खेल पाऊँ तो मैं रोज़ सुबह चार बजे उठती थी चार बजे उठने के बाद तीन घंटे का लॉन्ग ट्रेनिंग सेशन लेती थी स्कूल अटेंड करती थी उसके बाद जस्ट एन हाफ एन आवर का ब्रेक लेती थी फिर उसके बाद वापस चार घंटे की प्रैक्टिस में जाती थी इतना टाइट शेड्यूल होने के बाद भी मैंने विल पावर कम नहीं करा मेरे सेक्रीफाइज और डेडिकेशन और मेरे साथ में फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट था मेरी लाइफ में और एक टाइम के तो ऐसा लगा था कि पूरी फैमिली ही बोर्ड पे चढ़ जाएगी उस टाइम पे बहुत ही आ, आ, प्राउड हो रहा था मुझे कि हाँ मेरे पेरेंट्स और मेरे सर मेरे साथ हैं और फिर उसके बाद स्कूल्स स्कूल से आपको सबसे पहले यादें याद आती होंगी आप जब स्कूल्स में थे आपको वो सारे रिकॉल होते होंगे मोमेंट्स जो आपके हैप्पी मोमेंट्स थे है ना तो आप एक बार याद करिए वो क्या क्या मोमेंट्स थे लेट मी गेस वो आपको कभी शरारतें याद आ हो रही होंगी किसी को अपनी फ्रेंड्स के टिफिन शेयर करना याद आ रहे होंगे तो किसी को अपनी फेवरेट टीचर याद आ रही होंगी पर आपको पता है मुझे ये सारी यादें बनाने का मौका ही नहीं मिला टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मैंने अभी तक इतनी सी एज में पांच बार स्कूल बदल लिए हैं बिकॉज ऑफ डाइविंग क्योंकि डाइविंग का टाइम सेट नहीं हो पाता था, था। इसलिए क्योंकि शाम का टाइम सुबह का टाइम स्कूल्स अटेंड इसलिए मेरे को पांच बार स्कूल्स बदलने पड़े ऐसे में मेरी टीचर्स ही दोस्त बन जाती थी क्योंकि पढ़ाई भी साथ में लेके चलनी है डाइविंग भी साथ में लेके चलनी है तो स्टडीज़ भी ज़्यादा ज़रूरी है तो जितना भी लेसन चैप्टर मैम करवाती थी उसको मुझे मैम अलग से पढ़ाती थी अभी भी पढ़ाती है इनफैक्ट क्योंकि टाइम सेट नहीं हो पाता है और ऐसे में मेरे टीचर्स ही दोस्त बन जाते थे और मैं उनके साथ ही बातचीत करती हूँ अभी भी फिर उसके बाद बात आती है आपके करियर की आप रात में पार्टीज वग़ैरह जाते होंगे सभी जाते पार्टीज़ शादी में फंक्शंस अटेंड करते होंगे पर मैं कुछ नहीं अटेंड कर पाती हूँ क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना रहता है तो मुझसे बहुत सारे जने पूछते हैं कि आपको बुरा नहीं लगता आप पार्टीज़ अटेंड नहीं करते हो आप फंक्शंस अटेंड नहीं करते हो आपको नहीं इच्छा होती है क्या मैंने बोला इच्छा होती है बुरा नहीं लगता है पर क्योंकि मैं अगर यहाँ पर पार्टी मनाऊंगी तो सुबह कौन तुम उठ के जाओगे क्या मुझे उठ के जाना है इसलिए मुझे पार्टीज छोड़कर पहले अपने गोल को सेट करना है पार्टीज तो गोल के बाद होती रहती है हर कोई बुलाएगा आपको पार्टीज में कौन नहीं बुलाता है सब बुलाते हैं लेकिन अगर आपका गोल सेट हो गया एक बार आप उस गोल तक पहुंच गए फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर अगर आप पार्टी करना चाहो फंक्शन अटेंड करना चाहो रात रात भर अटेंड करो दो दो तीन तीन बजे तक अटेंड करो सो द मैजिक इन प्रोसेस नॉट इन मूवमेंट्स अगर आपके अगर आप सोच रहे हो कि मूवमेंट्स में इतना खास है तो नहीं प्रोसेस में ज़्यादा है फिर आती है मेरे कॉम्पिटिशन्स की बात कॉम्पिटिशन्स जब मेरी एज हो गई थी ट्वेल्व ईयर्स तब मैंने कॉम्पटिशन्स खेलना स्टार्ट कर दिया था और जब मैंने फर्स्ट कॉम्पिटिशन खेला था तब मैंने फ़र्स्ट बार में ही दो गोल्ड मेडल जीते थे दोनों बार बार में और मैंने वो बॉम्बे में जीते थे जो आर नेशनल टूर्नामेंट्स थे प्राइवेट फिर आती है बात दिल्ली की दिल्ली में स्कूल नेशनल्स थे और उसमें मैंने तीन गोल्ड मेडल जीते थे तीनों बोर्ड में फिर अगेन मैंने राजकोट में दो गोल्ड मेडल जीते स्कूल नेशनल्स में और उससे मेरा चयन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हुआ इंटरनेशनल टूर्नामेंट के पहले मेरा कैंप लगा इंटरनेशनल वाला जो आर्विंग गु, आर्मी ग्रुप ऑफ डाइविंग था और वहाँ पर हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करी वहाँ के कोचेस भी बहुत अच्छे वहाँ पर हमने फ्रेंड्स भी बहुत सारे बनाए और जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था वो बेंगलोर में हुआ था उधर मुझे सिल्वर मेडल मिला था तो सिल्वर मेडल में ऑफ़ कोर्स इंटरनेशनल कंपटीशन से तो डाइव भी इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए आपकी जितनी अच्छी डाइव्स होगी उतने अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा सो डाइव इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट द डेडिकेशन ऑफ द पेरेंट्स सपोर्ट्स एंड कोचेस सपोर्ट्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट तो उन लोगों का सपोर्ट था लेकिन मुझ में थोड़ी सी कसर रह गई थी मेरी प्रैक्टिस में रह रह गई थी तो फिर मैंने कॉम्पटिशन्स uh, करना स्टार्ट करे थे तब मेरा इंटरनेशनल में सिल्वर मेडल लगा था तब अनाउंस हुआ था रिजल्ट तो सिल्वर मेडल गोज़ टू पलक शर्मा मुझे धक्का सा लगा चारों तरफ सन्नाटा छा गया मुझे कुछ होश नहीं था कि सिल्वर गोल्ड मेडल किसको मिला और ट्रॉफी किसने जीती मुझे बस मेरे दिमाग में यही लूप में बज रहा था कि हाँ सिल्वर मेडल गोस टू पलक शर्मा मैं उस टाइम पे खींची चली जाती उसके पहले मेरे सर ने मुझे वहाँ से बाहर निकाला और समझाया कि सिल्वर मेडल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गोल्ड मेडल से बिकॉज अगर आप आ, सिल्वर मेडल जीत रहे हो गोल्ड मेडल नहीं जीत पा रहे हो तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा कहते ना जिसने आ, ना आ, सफलता का स्वाद चख लिया हो वो नाकामयाबी निगल नहीं पाता वो सेम मेरे साथ हुआ था क्योंकि मैंने इतने सारे गोल्ड जीत लिए थे अब सिल्वर की बारी आई तो मैं उसको नहीं झेल पाई फिर मेरे सर ने मुझे समझाया कि वो सिल्वर मेडल भी इम्पॉर्टेंट था आपको रियलाइज़ करवाने के लिए कि आपको और इम्प्रूव होना है आपकी लाइफ में और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं फिर बात आती है फैमिली सपोर्ट की फ़ैमिली सपोर्ट तो भैया पूरा था मेरे पास क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी फैमिली मेरे कोचेस मेरे अपने सब कुछ मेरे साथ थे जैसे भी कोई भी कठिनाई आती थी, थी मेरी लाइफ में वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह मेरे साथ खड़े रहते थे और हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे अगर मैंने कोई गलती करी है तो उसके ऊपर वर्क करना सिखाते थे कि हाँ वो मेरे साथ खड़े हैं तो तूने जो गलती करी उस पर तू सीख उससे तू सीख कुछ जब मैं इंटरनेशनल से वापस प्रैक्टिस पे आई थी घर पे आई थी तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझसे जल रहे थे या मे बी इट्स पाइट मे बी इट्स जेलिसी कुछ भी था वो लेकिन वो मुझे हर्ट किया तो मेरे पापा ने उस टाइम मुझे बताया कि अगर वो तुमसे जल रहे हैं इसका मतलब तुम सही रास्ते पे हो बहुत सारे लोग ये मुझसे पूछते हैं कि अगर तुम्हारी पंद्रह साल की उम्र जितनी टीन एजर की पंद्रह साल की उम्र होती टीन एजर जैसी लाइफ होती तो तुमको कितना अच्छा लगता ना तो मैं उनको जवाब में ये कहती हूँ कि भैया उनकी लाइफ मेरे जैसी क्यों नहीं है मेरी लाइफ इतनी हैपनिंग है इतनी बिजी है उनकी लाइफ मेरे जैसी क्यों नहीं मुझे तो उन लोगों के लिए बुरा लगता है और फिर, मुझे अभी भी मेरी लाइफ में बहुत कुछ बा, पाना बाकी है मेरा ओलंपिक सेट है कि हाँ मुझे ओलंपिक तक जाना है अपने देश के लिए अपने भारत के लिए नाम रोशन करना और गोल्ड मेडल जीतना है तो मैं विजुलाइज़ करती हूँ कि मैं डाइविंग बोट पे खड़ी हूँ ओलंपिक के और जब मैं नीचे देखती हूँ पानी में तो मुझे दिखता है कि गोल्ड मेडल नीचे है बॉटम में है तो मैं ऐसी इच्छा होती है कि फटाफट जाऊँ डाइव लगा के और उसको लेके आऊँ और मैं ये सिर्फ मेरा मेडल अपने देश के लिए अपने अपनों के लिए फैमिली के लिए कोचेस के लिए उन सब के लिए लाना चाहती हूँ मेरे लिए लाना चाहती हूँ कि और उन लोगों के लाना, ले आना चाहती हूँ कि जो मुझसे इंस्पायर होते हैं मैं उन सब के लिए लाना चाहती हूँ मेरा करियर आठ साल की उम्र में स्टार्ट हो गया था लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जिनका करियर लेट स्टार्ट होता है और उनको सफलताएं भी कभी लेट मिलती है कभी जल्दी मिल जाती है लेकिन सफलता मिलती है अगर उनने कसर नहीं छोड़ी उनकी मेहनत में तो सफलता जरूर मिलेगी लेकिन अगर उन्होंने कसर रही उनकी इसमें तो फिर थोड़ा सा रह जाता है जैसा मेरे साथ हुआ तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि इट्स नॉट इट्स नेवर अर्ली और लेट टू मेक द डाइव और फिर कॉन्फिडेंस आता है जैसे मुझे प्रधानमंत्री अवार्ड मिला था प्रधानमंत्री अवार्ड में uh, जब बहुत सारी मीडिया थी तो मैं क्योंकि इतना सब कुछ फ़ेस करने की आदत नहीं शुरू से क्योंकि मीडिया वगैरह इतने सारे क्वेश्चंस पूछती है तो मुझे वहाँ पर खड़े खड़े चक्कर आने लग गए थे क्योंकि इतना सब कुछ फ़ेस कभी नहीं करा था लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मीडिया वगैरह आए बातचीत हुई फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और आज मैं मेरी फैमिली और मेरे कोचेज के सपोर्ट से यहाँ पर खड़ी हूँ और इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ सो थैंक यू एवरी